सो गाइस आप लोग को ये पता है कि तमराज किल्विज जो थे वो एक हैकर थे। अंधेरा कायम रहेगा। यहाँ पर जो है काले टोपे वाली चुड़ैल जो है वो एक हैकर थी। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। सुदेवियो सज्जनों एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है लेकर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हैकर्स के टाइप क्या क्या होते हैं एंड कैसे यहाँ पर जो है विभिन्न तरीके के जो हैकर्स होते हैं वो उनका जो काम का करने का तरीका होता है वो अलग होता है। अगर आप यहाँ पर हैकर बनने का सोच रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखते रहे ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, समझ रहे हो। सुबह भी ना कोई टाइम इसकी चलिए मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लेट्स बिगिन। सो गाइस यहाँ पर एक होते हैं हैकर्स, दूसरे होते हैं उनसे भी बड़े हैकर्स और तीसरे आते हैं अल्ट्रा लेजेंड प्रो वाले हैकर्स जो यहाँ पर एंजल प्रिया की आईडी बना के दूसरों से रिचार्ज करवाते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये किया नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं काली दुनिया के बेताज बादशाह वाले हैकर के बारे में। इनको हम जानते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से। जैसे ही आप सब यहाँ पर सुन रहे हैं ब्लैक हैट लग रहा है, जहाँ पर काला रंग लग रहा है वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ घोटाला होता है। जैसे हमने यहाँ पर अभी जो है थोड़ा थोड़ा काला पहना है, लेकिन मैं हैकर नहीं हूँ, मेरे माँ बाप मुझे हैकर जन्म नहीं दिए। कुछ भी ट्रेंडिंग होता है, कुछ भी। सो गाइस यहाँ पर जो ब्लैक हैक हैकर्स होते हैं इनको काफी ज्यादा नॉलेज होती है हैकिंग की एंड इन लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी रहती है। बट यहाँ पर इनका जो मेन काम रहता है वो होता है चोरी का, मतलब किसी की बिना परमिशन से ये लोग किसी के भी सिस्टम में हैक करते हैं एंड यहाँ पर उनका एक्सेस ले लेते हैं एंड वहां पर जो है उससे फायदा लेते हैं। तो दैट्स व्हाई इन्हें हम जानते हैं ब्लैक के नाम से। जिस तरह से ब्लैक मनी है उसी तरीके से ये लोग ब्लैक काम, काला धंधा करते हैं और काला धंधे से जो है लोगों से जो है उनका नुकसान करके अपना प्रॉफिट लेते हैं। एंड इवन ये जो हैकर्स होते हैं ये मेलवेयर भी बनाते हैं ऐसे जो दूसरों के सिस्टम में ये इंस्टॉल करवाते हैं एंड उससे क्या होता है कि यहाँ पर उनके सिस्टम का इनको एक्सेस मिल जाता है। इससे क्या होता है ये सारा डेटा जो है सामने वाला का निकाल सकते हैं एंड यहाँ पर जो है काफ़ी खतरा हो जाता है। ये जो हैकर्स है सबसे जो है खतरनाक श्रेणी वाले हैकर्स आते हैं। इवन ये जो हैकर्स हैं ये कुछ गवर्नमेंट पोर्टल्स आईडीज वगैरह पे जाके भी हैक करते हैं एंड वहाँ से अगर आपका सेफ्टी बिल्कुल जो सेफ्टी डेटा होना चाहिए वो वहाँ पर लीक हो जाता है, सेंसिटिव डेटा जो भी है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। एंड इनका मेन मोटो रहता है कुछ इन्हें पैसे मिल जाए उनकी चीज़ें हैक करके, या यहाँ पर इनका कुछ पर्सनल रीज़न रहता है या किसी से कुछ ग्रजेस वगैरह रहती है तो यहाँ पर यह है ये सारी चीज़ें कर लेते हैं जिससे जो है काफ़ी यहाँ पर जो है नुकसान हो जाता है सामने वाली पार्टी को। सो जिस तरह से यहाँ पर अंधकार के बाद जो है उजाला आता है तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है उजाला भी है हैकर्स की कैटेगरी में। उन्हें हम जानते हैं यहाँ पर वाइट हैट हैकर्स के नाम से। तो वाइट हैट हैकर्स बेसिकली क्या होते हैं, इनके पास भी बिल्कुल सेम नॉलेज होती है ब्लैक हैट हैकर्स वाली। तो टोटल इनके पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है यहाँ पर हैकिंग की। बट यहाँ पर ये जो है ये सारे लीगल काम करते हैं, मतलब अगर ये हैकिंग भी कर रहे हैं इनका काम भी सेम हैकिंग का ही है। लेकिन हैकिंग ये कब करते हैं जब यहाँ पर सामने वाली पार्टी, मतलब जिसका भी यहाँ पर जिनको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है, सिक्योरिटी में देखना है कि कोई लूप होल है कि नहीं है, तो वो लोग इसको परमिशन देते हैं कि आप हमारे सिस्टम को हैक करके देखिए, अगर वहाँ पर कोई लूप निकल रहा है, मतलब कोई एक ऐसा रास्ता है जहाँ से जो है ब्लैक हैट हैकर्स हमारी कंपनी पे या हमारी वेबसाइट पे या हमारे पोर्टल पे निशान लगा सकते हैं, तो ये जो है उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वाइट हैट हैकर्स को जो है यहाँ पर रखते हैं अपनी कंपनी में। एंड इवन इन्हें हम यहाँ पर जो है एथिकल हैकर्स के नाम से भी जानते हैं एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज भी अवेलेबल, सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। आपने सुना होगा आए दिन यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बहुत सारे कोर्सेज का प्रमोशन हो रहा होता है। तो यहाँ पर एथिकल हैकिंग जो है बिल्कुल लीगल है अंटिल एंड अनलेस यहाँ पर बिना परमिशन के आप कुछ कर रहे हैं किसी, मतलब सामने वाले के सिस्टम में बिना परमिशन के घुस रहे हैं तो वो इलीगल है। अगर आप जो है सामने वाले के कंसेंट से या उसके परमिशन से जो है उसी के सिस्टम को जो है हैक करके देख रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी का बग वगैरह नहीं तो है, तो ये जो है ये लीगल हो जाता है। तो यहाँ पर व्हाइट हैट वाले जो हैकर्स हैं ये लोग जो है ब्लैक हैट हैकर्स का काम बहुत मुश्किल कर देते हैं। पहले यहाँ पर ब्लैक हैट हैकर्स जो है उस लूप होल तक पहुंचे जहां से सिक्योरिटी को खतरा है, व्हाइट हैट हैकर्स यहाँ पर उन्हें पहले ही देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं एंड यहाँ पर उसे फिक्स कर देते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना रहे जिस भी यहाँ पर जो है सिस्टम में आप जो है हैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर जो तीसरी कैटेगरी आती है हैकर की वो होती है ग्रे हैट हैकर्स। तो यहाँ पर जो है ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है
उसे मिला के यहाँ पर जो बनाया जाता है वो होता है ग्रे। तो यहाँ पर ग्रे हैट हैकर्स जो होते हैं उनका मेन जो है काम क्या रहता है, ये लोग जो है सेम काम करते हैं, मतलब विदाउट परमिशन अगर किसी के सिस्टम में घुसते हैं या किसी के वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पर कोई एक लूप होल वो देखेंगे कि यहाँ पर ये एक लूप होल उन्हें मिल गया है, तो वो लोग वहाँ से डेटा चोरी नहीं करेंगे, वो चीज़ वो जाके बताएंगे उन कंपनी ओनर को जिनकी वो वेबसाइट है या जिनका वो सिक्योरिटी सिस्टम है, तो उनको जाके बताएंगे कि ऐसा ऐसा आपके में लूप होल है। अगर वहाँ पर उनको वो जो है जिनका ओनर वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, उसे कुछ अमाउंट दे देता है तो वेल एंड गुड है, अदर वो नहीं करता है रिस्पॉन्ड इनके जो लूप होल निकाला है इनमें, तो वो लोग क्या करते हैं उसे वर्ल्ड के सामने डाल देते हैं ताकि यहाँ पर जो है वर्ल्ड वाले उससे फ़ायदा ले लेते हैं, एंड वहाँ पर जो है सामने वाला इनको भी कुछ ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया था कि आप में लूप होल है बट आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो यहाँ पर ये जो है ये सारे काम कर सकते हैं जिससे जो यहाँ पर सामने वाली पार्टी को खतरा थोड़ा बहुत हो जाता है। सो बेसिकली जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं इनको कोई भी यहाँ पर डेटा चुराना या डेटा लीक करने में कोई भी यहाँ पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं अपना थोड़ा बहुत पैसे कमाने के लिए जो है ये सारी चीज़ें करते हैं जिससे इनको थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है, एंड ये जो है बेसिकली डेंजरस नहीं होते हैं बट यहाँ पर ये जो काम करती है डेफिनेटली इलीगल है क्योंकि विदाउट परमिशन ये किसी के सिस्टम को हैक कर रहे हैं जिससे जो है यहाँ काम ये इलीगल बन जाता है। सो यहाँ पर चौथी कैटेगरी आती है ब्लू हैट हैकर्स के बारे में, तो यहाँ पर जैसे आप सब सुनते हैं आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो यहाँ पर वो पानी नहीं है, वो पानी जो है बिल्कुल एक कोड है। तो यहाँ पर जो है ब्लू हैट हैकर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये काफ़ी इमेच्योर होते हैं, इससे ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं बेसिकली रिवेंज लेते हैं, जैसे अपने दोस्तों के बीच में किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया या तो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड से गुस्सा हो गए और बिल्कुल जो है कतई उनके कंप्यूटर या उनके मोबाइल को हैक कर लिया ताकि यहाँ पर जो है जानकारी मिल सके कि हमारी जो है बाबू सोना वो रात में किससे बात कर रही है, हमें ऑनलाइन होकर लास्ट सीन उसका बिल्कुल 2 सेकंड पहले रहता है एंड हमें वो मैसेज नहीं कर रही है, तो उसके मैसेज जा कहाँ रहे हैं, आखिरकार कहाँ जा रहे हैं मैसेज, तो ये ऐसे हैकर होते हैं जो पर्सनल रिवेंज के लिए जो है किसी का फोन या सिस्टम हैक करते हैं, बट डेफिनेटली ये इलीगल है, बट इनका जो है मेन मोटो रहता है किसी को हार्म नहीं करना, ये अपनी पर्सनल रिवेंज के लिए जो है ये सारे काम करते हैं। सो यहाँ पर जो पांचवी कैटेगरी आती है वो आती है रेड हैट हैकर्स, तो रेड का जो है मतलब होता है कि रुक जाओ थाम बजारा, तो यहाँ पर जो है रेड हैट हैकर जो है बिल्कुल रुका देते हैं किनको, ब्लैक हैट हैकर्स को। ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बताया, तो यहाँ पर जो रेड हैट हैकर्स होते हैं इनका काम रहता है बेसिकली जो ब्लैक हैट हैकर्स है उनका जो वो जब हैक कर रहे होते हैं उनको जो है रोकने का काम, तो ये लोग क्या करते हैं ये उनके प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं एंड उन्हें काफ़ी स्लो कर देते हैं एंड इवन जो है उनके जो अटेम्प्ट है उन्हें फेल कर देते हैं, जिससे यहाँ पर जो है ब्लैक हैट हैकर जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर रेड हैट हैकर जो है बिल्कुल ऐसे देवता के सामने निकल के आते हैं कि बिल्कुल तुम रुक जाओ, इसके आगे तुम्हें बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जो है रेड हैट हैकर्स का यही काम होता है एंड काफ़ी लोग इन्हें हायर करते हैं ताकि यहाँ पर कोई भी जो है ब्लैक हैट हैकर जो है उनके सिस्टम को जो है ऐसे हैक ना कर सके, क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, व्हाटएवर व्हाटएवर So, यहाँ पर जो अगली टाइप के हैकर होते हैं इनको हम जानते हैं नूब के नाम से, जिस तरह से यहाँ पर पबजी में नूब बंदे आते थे उसी तरह से यहाँ पर जो है इनको हम जानते हैं स्क्रिप्ट कीड़ी के नाम से। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये जो है किसी एक डेवलपर ने किसी ने कोड लिखा होगा उस कोड को कॉपी करते हैं, बिल्कुल उनकी वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पे कि कैसे कैसे इनको जाके भेजना है जिससे जो है सिस्टम हैक होता है, वो सारी जो है प्रोसेस को अप्लाई करके किसी के हैक करने की कोशिश करते हैं, तो दैट्स वाई इन्हें हम नूब के नाम से जाते हैं। तो ये बेसिकली इमेच्योर रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं जो कुछ स्क्रिप्ट उठा के जो है बिल्कुल ऐसे कोशिश करेंगे कि हम ही यहाँ पर ढिंका फलाना ढिंचे पूजा वाले हैकर, कतई जो है एंजल प्रिया वाले यही हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली इनका काम रहता है किसी का कॉपी पेस्ट कोड करना एंड उसको जो है उससे ट्राई करना कि किसी का सिस्टम हैक हो जाए, तो बेसिकली इनका काम यही रहता है, इसके अलावा इनका कुछ काम नहीं रहता, बिल्कुल निठल्ले निकम्मे होते हैं। बट यहाँ पर आपको किसी को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो आज स्क्रिप्ट कीड़ी है वो कल जाके जो है काली दुनिया का बेताज बादशाह ब्लैक हैट हैकर बन सकता है, तो यहाँ पर जो है आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो अगली कैटेगरी वो है स्टेट नेशनल स्पॉन्सर्ड हैकर्स, तो बेसिकली इन हैकर्स का काम क्या रहता है, इनको जो है गवर्नमेंट जो किसी एक कंट्री है उसकी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ताकि यहाँ पर जो है ये दूसरी कंट्री के एटमोसफेयर में मतलब उनके साइबर स्फेयर में जाके घुस सके एंड वहाँ से जो है कुछ प्रीशियस इन्फॉर्मेशन निकाल सके, अगर कुछ ऐसे वॉर वगैरह की मतलब कि जंग छिड़ने की बातें चल रही है, और जंग नहीं छेड़ेंगे हम अगर, लेकिन ऐसे जंग छिड़ जाता है कभी, तो ये जो ये इन हैकर्स का यूज़ लेती है कि सामने वाले का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिल जाए, इनको कैसा प्लान है, क्या चीज़ें होंगे डिजिटली, जितना भी ये हैक कर सकते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर उन गवर्नमेंट को जो है ये हैकर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि ये सामने वाली कंट्री का जो है बिल्कुल डेटा हैक करके यहाँ पर हमें ब्लू प्रिंट्स मिल सके ताकि यहाँ पर जो है जंग में जीत जाएँ, और ऐसे जीतेंगे आप जंग हैं
सो गाइस बेसिकली यही टाइप्स के हैकर होते हैं। और भी कुछ कैटेगरी होती है जैसे ग्रीन हैट हैकर्स, यहाँ पर और कुछ टाइप के हैकर्स होते हैं, बट बेसिकली जो मोस्ट मेजर जो जाने माने हैकर्स हैं वो यही होते हैं। एंड इसके बाद जो है हैकर्स होते हैं आप उनके बारे में ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। सो गाइस यही सारे टाइप्स के हैकर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड आपको कौन सा हैकर बनना है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन कभी भी जुर्म का रास्ता मत चुनना, क्योंकि उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ, समझ गए। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग थॉट्स वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट, एंड दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो, समझ गए। सो गाइस यहाँ पर आज का विचार काफ़ी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन हम गिनती उन्हीं चीज़ों की करते हैं जो हमें हासिल ना हो सका हो।